नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की आज की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पे नए आए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान में कोरोना खत्म हो ही रहा है कि फिर से अपने पेड़ जमाने लगे हैं। उदयपुर में कोरोना के रोगी सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। होली से पहले तक जहां उदयपुर में कोरोना पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा था, वहीं होली के बाद ये फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। 22 मार्च तक उदयपुर में कोरोना के 7 ही एक्टिव केस थे, जो अब 10 दिन बाद 22 मार्च को बढ़कर 25 हो गए हैं। मंगलवार को भी उदयपुर में कोरोना के 4 नए केस सामने आए हैं। ये चारों रोगी उदयपुर के शहरी क्षेत्र से हैं। अगर ऐसे ही राजस्थान में कोरोना केस आए तो राजस्थान में होने वाली बोर्ड कक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर राजस्थान कांग्रेस सरकार और बीजेपी आमने सामने हो गई है। करीब 5 महीने के बाद रसोई गैस की कीमतें 50 रुपए प्रति सिलेंडर और पेट्रोल डीजल में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107.94 पैसे है, वहीं डीजल की 91.93 पैसे लीटर हो गई है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 903.50 रुपए से बढ़कर 953.50 रुपए हो गई है। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जानते हैं। सरस डेयरी ने अपने दूध के 2 रुपए कम किए हैं। सरस दूध बुधवार शाम से 2 रुपए सस्ता मिलेगा। सरस जयपुर डेयरी समेत राजस्थान के तमाम जिले संघों की ओर से बजट के बाद 10 मार्च को दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में दूध के बढ़े हुए दाम वापस लेने की घोषणा की है। साथ ही डेयरी प्रशासन के इस कदम पर नाराजगी भी जताई है। जी दोस्तों, अब बुधवार से आपको सरस डेयरी के दूध में 2 रुपए की कमी दिखाई देगी। दोस्तों, अगली अपडेट जानते हैं। किसानों को मिले फसल खराब होने का मुआवजा। चित्तौड़गढ़ सांसद शिब्बी जोशी ने सोमवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान गत दिनों में हुई बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों के खराब होने का विषय सदन में रखा है। सांसद जोशी ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्र में कुछ दिन पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब हो गई है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में किसानों की रबी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अचानक हुई बारिश के कारण किसानों की गेहूं, चना, सरसों, अफीम आदि की फसलें नष्ट हो गई हैं। तेज हवा चलने से फसलें गल गई हैं और आड़ी भी पड़ गई हैं। इसके साथ ही नुकसान के कारण प्रभावित हुए किसानों को नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिले। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जानते हैं। बीजेपी राजस्थान के 20 जिलों में शुरू करने जा रही है अपने ऑफिस। राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश के 33 जिलों में से खुद के पार्टी ऑफिस खोलेगी। फिलहाल पार्टी के ज्यादातर कार्य रेट या लीज की जमीन पर भवनों पर चल रहे हैं। 27 जिलों में पार्टी के नए ऑफिस खोलने के लिए जमीन पर निर्माण का काम चल रहा है। केवल 6 जिलों के जमीन फाइनल नहीं हुई है। इनमें से डूंगरपुर, झुंझुनू, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर जिले शामिल है। 20 जिलों में ऑफिस जल्द ही शुरू करने की तैयारी चल रही है। वहीं राजस्थान के 3 जिले राजसमंद, भिलवाड़ा, सीकर में बीजेपी के कार्यालय शुरू भी हो गए हैं। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट जानते हैं। आज का मंडी का भाव जान लेते हैं। राजस्थान में मंगलवार को मंडियों के भाव तेज दिखा है। जयपुर के थोक बाजार में सोया रिफाइंड की कीमत प्रति टिन में 20 रुपए तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं रिफाइंड मूंगफली के भाव में 100 रुपए टिन तक चढ़ गए हैं। इसी तरह मूंगफली फिल्टर के भाव भी 70 से 80 रुपए के तेज देखने को मिला है। जयपुर मंडी में गुड़ के भाव 50 से 100 रुपए क्विंटल तक बढ़ गए हैं। राहत की बात यह है कि चीनी के भाव आज 90 रुपए गिरकर 3660 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा खबरें। ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। दोस्तों, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने जिले का नाम हमें जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।